हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूं वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं सेमेस्टर 3 के अंदर बीकॉम कोर्स के अंदर, तो उन सभी के पास जो बीकॉम ऑनर्स वाले स्टूडेंट हैं उन सभी का एक मेन सब्जेक्ट हैगा जिसका नाम हैगा बिजनेस मैथमेटिक्स। आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ उसका कंप्लीट सिलेबस कि सेमेस्टर 3 के एग्जाम में उसमें आपकी कौन कौन सी यूनिट आने वाली हैं इस सब्जेक्ट में और कौन कौन से टॉपिक उन यूनिट्स के अंदर में से आने वाले हैं। तो बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे इस कंप्लीट सिलेबस को काफ़ी डिटेल में। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए। वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इस कंप्लीट कंटेंट को। तो देखिए, DSE 3.1 नाम है आपके इस सब्जेक्ट का, बिजनेस मैथमेटिक्स नाम है। यहाँ से आपका इसका सिलेबस स्टार्ट होता है। तो इसमें आपकी यूनिट नंबर 1 आ रही है जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। इसमें आपका टॉपिक आ रहा है ओवरव्यू ऑफ मैट्रिक्स, सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैविंग अ कॉमन सॉल्यूशन इन्वॉल्विंग नॉट मोर देन 3 वेरिएबल यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड कार्मर्स रूल। उसके अलावा लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल, ये आ रहा है आपका टॉपिक। फिर यूनिट नंबर 2 आ रही है आपकी जिसका नाम है कैलकुलस। इसमें कंसेप्ट एंड रूल ऑफ डिफरेंशिएशन आ रहा है, कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल एनालिसिस, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी एंड डिमांड, एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा प्रॉब्लम, रेवेन्यू कॉस्ट प्रॉफिट, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ऑप्टिमल ट्रेड इन टाइम। ये टॉपिक आपके यूनिट नंबर 2 में आ रहे हैं। यूनिट नंबर 3 आ रही है आपकी जिसका नाम है कैलकुलस सेकंड। इसमें आपको आना है पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डेरिवेटिव अप टू सेकंड ऑर्डर, होमोजेनिटी ऑफ अ फंक्शन, यूलर्स थ्योरम, प्रोडक्शन फंक्शन, रिटर्न टू फैक्टर, रिटर्न टू स्केल, MRTS एंड इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंटीग्रेशन, नेचर ऑफ कमोडिटीज, पार्शियल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल एनालिसिस, कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। ये टॉपिक आपके यूनिट नंबर 3 में आ रहे हैं। यूनिट नंबर 4 में आ रहे हैं आपका नाम है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। इसमें आपके टॉपिक्स आ रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, नॉमिनल इफेक्टिव एंड देयर इंटर रिलेशनशिप इन डिफरेंट कंपाउंडिंग सिचुएशन, कंपाउंडिंग अ सम यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट, एप्लीकेशन रिलेटिंग टू डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स एंड एवरेज ड्यू डेट। इसके अलावा टाइप्स ऑफ एन्युटीज, ऑर्डर ड्यू एंड डेफर्ड, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस, परपेचुटी, डिटर्मिनेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, एप्लीकेशन रिलेटिंग टू कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड लीजिंग। ये टॉपिक आपके यूनिट नंबर 4 में आ रहे हैं। यूनिट 5 में आ रहा है आपका जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। इसमें आपके टॉपिक्स आ रहे हैं फॉर्मलाइजेशन एंड एजम्पशन ऑफ LPP, सॉल्यूशन बाय सिंपल मेथड, मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन केस, शेडो प्राइस ऑफ द रिसोर्स, स्पेशल केस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूनिक एंड मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन, अनबाउंडेड सॉल्यूशन, इनफिजिबिलिटी एंड डीजेनरेसी। ये टॉपिक आपके यूनिट नंबर 5 में आ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये टोटल आपकी 5 यूनिट आ रही हैं। इनमें से क्या क्या टॉपिक आएंगे वो सभी टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं। इनके अलावा कोई और टॉपिक आपका एग्जाम में नहीं आएगा, इन्हीं टॉपिक्स में से आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो मे बी आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए। थैंक यू।